अगर बुरी नजर लगती होती तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। कोई है यहाँ पे जिसको दुखी रहने में बड़ा मजा आता है? एक पत्नी के 10 पति हैं और एक पति के पता नहीं कितनी पत्नियां हैं, ये हो क्या? आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो पूछा है हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, हमेशा खुश कैसे रहे? कोई है यहाँ पे जिसको दुखी रहने में बड़ा मजा आता है? एनीबॉडी? नहीं है। सबको खुश रहना अच्छा लगता है, खुश कैसे रहे ये पता है हमें? किसी स्कूल में इसके बारे में बात होती है, किसी कॉलेज में इसके बारे में बात होती है, खुश कैसे रहे? It's internal feeling which keeps us happy. हाँ, और फीलिंग्स चेंज होती रहती है, मानते हो सब लोग? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? फीलिंग्स बदलती रहती है। आज अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं किसी इंसान के होने की वजह से, कल उसी के होने की वजह से बुरी फीलिंग्स होने लग जाएंगी। इसके बारे में आराम से सोचो। बेसिकली क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ में ठहरते नहीं हैं, बड़ी जल्दी हम जवाब देने लग जाते हैं अपने अंदर ही अंदर। हम ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमें पता है। क्या इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में? सोचो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाए लेकिन खुशी ना मिले, दूसरी तरफ से आपको कुछ भी ना मिले लेकिन आप खुश रहो, क्या ज़्यादा बड़ा है? ये बहुत बड़ी आर्ट है। खुश कैसे रहते हैं? सर, खुश रहना चाहते हैं, खुश हो भी जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं छोटे, तो उनको भी लोग कहते हैं ज्यादा मत हंसो, उतना ही बाद में रोना पड़ेगा। दिमाग में ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है कि ना कुछ हम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी की टीवी लाइन हो, नजर ना लग जाए, खुशी भी टेम्परेरी है, मतलब उसको परमानेंट समझते हैं कि परमानेंट। गुड पॉइंट। तो ये भी एक वहम की हाइट है, अगर बुरी नजर लगती होती तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता। देख रहे हो, करोड़ों लोग देख रहे हैं और मैं कर क्या रहा हूं अपने सेशंस में? अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अपने दुख को शेयर कर रहा हूं दुनिया के साथ में, खुशी को शेयर कर रहा हूं, खुशी को, और खुल के कर रहा हूं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं खुश हूं। लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। अरे भैया, इस दुनिया में पहले ही बहुत दुखी लोग हैं, अब और दुख नहीं चाहिए, ये बात हम समझते क्यों नहीं है? इस दुनिया को कैसे लोग चाहिए? वो जो दुखी हो, औरों के दुख की बात करके दुखी हो, इस सोसाइटी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी बातें करें और दुखी हो जाएं, आपको भी दुखी कर दें, खुद अपने पास्ट के बारे में बात करें, खुद अपनी बीमारियों के बारे में बात करें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कचर 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 करते रहें 24 घंटे, या फिर जो खुश हो जैसे बच्चे। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयाँ नजर नहीं आती हैं, उनकी भी कमियाँ ही नजर आती हैं, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मानते हो सब लोग? दिमाग में आता नहीं है, हम किसी को भी देखते हैं तो हमको अंदर से डाउट आने लग जाता है, शक होने लग जाता है कि कहीं ये बंदा भी गड़बड़ तो नहीं है, होता है ना? हाँ, मतलब शक्की हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ की तरफ ही जाएगा। कोई अच्छा इंसान भी आएगा तो वो भी हमें बुरा ही लग रहा होगा। कोई इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा होगा हमारे साथ में, तब भी हमको अंदर से डाउट आ रहा होगा, ये अच्छा कर रहा है, ज़रूर इसका कोई ना कोई मतलब है। हाँ, क्या? सावधान इंडिया देख के, क्राइम पेट्रोल देख के, न्यूज़ देख के, चारों तरफ हो क्या रहा है? जो सीरियल्स हैं जिसमें एक पत्नी के 10 पति हैं और एक पति के पता नहीं कितनी पत्नियां हैं, ये हो क्या रहा है? ये सब देख देख करके ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है, जबकि अगर रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। आप एक्चुअल में आंख खोल करके इस दुनिया को देखोगे, मीडिया की नज़र से नहीं, उस कंडीशनिंग से नहीं जैसा कि मीडिया ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया, बल्कि एक्चुअल में लोगों को देखोगे, ध्यान से देखो कभी बैठ करके, आपको भोलापन नजर आएगा।